नमस्कार दोस्तों, आईपीएन के यूट्यूब चैनल आईपीएन नॉलेज एंड न्यूज पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हम लोगों का हर एक वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन में भी चलते भी आप लोग हम लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट नॉलेज को लेके हम लोग वीडियो बनाते हैं। आज जैसे हम लोग वीडियो बनाएंगे टाइम फ्रेम के ऊपर की टेक्निकल पे जो हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट, डेली चार्ट, 60 मिनट, 50 मिनट, इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे आज। अगर आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी स्टॉक मार्केट के ऊपर नॉलेज मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग टेक्निकल चार्ट पे जाके ट्रेड करते हैं, आइए वो ट्रेड इन्वेस्ट भी हो सकता है, स्विंग हो सकता है, इंट्राडे हो सकता है, या फिर एक महीने के लिए कोई ट्रेड हो सकता है। कोई भी ट्रेड जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग कोई ना कोई चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग डेली चार्ट को ही सिलेक्ट करके ट्रेड करता है, डेली चार्ट। तो हम लोग जब टेक्निकल पे जाके चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लाइक वाई एच क्यू एम डब्ल्यू डी, 60 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। आज हम लोग इसके ऊपर ही बात करेंगे कि ये सब क्या होता है। तो दोस्तों, वाई का मतलब होता है ईयरली, मतलब अगर आप लोग टेक्निकल पे जाके वाई को सिलेक्ट करके चार्ट को ओपन करेंगे तो वो हर एक डेटा हर एक ईयर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वहां पे लेफ्ट साइड पे नीचे पे वाई लिखा रहता है, जिसका मतलब की ईयरली चार्ट। अगर आप लोग एज सिलेक्ट करेंगे मतलब की हाफ ईयरली चार्ट, मतलब हर एक बार हाफ ईयर को डिनोट करेगा। नेक्स्ट होता है क्यू, क्यू फॉर एक क्वार्टर का चार्ट, एम फॉर मंथली चार्ट, डब्ल्यू फॉर वीकली चार्ट, डी फॉर डेली चार्ट। 60 मिनट्स मतलब हर एक कैंडल एक 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 60 मिनट का जो बार है उसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है 30 मिनट्स का चार्ट, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 1 मिनट, मतलब कि हर एक बार हर एक जो डेटा है वो एक मिनट का डेटा आपको दिखाएगा। तो जब हम लोग कोई भी ट्रेड करेंगे, आइदर हो सकता है वो इन्वेस्ट हो, स्विंग हो, इंट्राडे हो, हम लोग को कोई ना कोई चार्ट को सिलेक्ट करके ट्रेड करना पड़ता है। दोस्तों, जब हम लोग टेक्निकल के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक चीज बता दें, टेक्निकल का जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट के अंदर जो टेक्निकल चार्ट का नेचर है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चुअल नेचर। फ्रैक्चुअल नेचर ये क्या होता है, फ्रैक्चुअल मतलब होता है कि कोई भी टाइम फ्रेम को आप ओपन कीजिए, आइदर हो सकता है वो डेली हो, वो वीकली हो, वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम को आप ले लीजिए, वहां पे भी जो इंडिकेशन आपको दिखाएगा आपका उससे जो नीचे वाला चार्ट है या फिर उससे जो ऊपर वाला चार्ट है उस पे आपको सेम इंडिकेशन दिखेगा। अब हम लोग वो इंडिकेशन दिख सकता है या नहीं, ये हम लोग का डेली जो काम करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग चार्ट के ऊपर कितना टाइम देते हैं, कितना चार्ट को प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग चार्ट से इंडिकेशन निकल पाते हैं या नहीं। पर चार्ट पे इंडिकेशन रहता है दोस्तों। जब आप लोग कोई भी ईयरली चार्ट खुलिएगा, ओपन कीजिएगा, या नहीं तो हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, कोई भी चार्ट को अगर आप ओपन कीजिएगा तो वो चार्ट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लियर इंडिकेशन रहता है, पर वो इंडिकेशन हम लोग निकल नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो हम लोग को टेक्निकल चार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत देना पड़ेगा उसके ऊपर, ताकि हम लोग कोई भी चार्ट से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पॉइंट है उसको निकल पाए। तो कोई भी चार्ट आप खोल लीजिए, ओपन कीजिए, आइदर वो मंथली हो, अगर वो वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, हर एक चार्ट पे इंडिकेशन सेम रहता है। इसीलिए टेक्निकल का जो ये नेचर, इसको फ्रैक्चुअल नेचर बोला जाता है, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ करके रखे हैं और वो एक बड़ा सा जो ट्रायंगल है उसके अंदर भी बहुत सारे छोटा छोटा ट्रायंगल है, बहुत सारे छोटा छोटा ट्रायंगल से एक बड़ा ट्रायंगल को ड्रॉ किया है मैंने, इसको ही बोला जाता है फ्रैक्चुअल नेचर। ये टेक्निकल चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा से अप्लाई होता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, आइदर इंट्राडे कर रहे हैं, नहीं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पे हम लोग कौन सा चार्ट यूज कर सकते हैं। आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा ऑलवेज कि फाइव फैक्टर्स, क्या होता है ये फाइव फैक्टर्स। देखिए, जब हम लोग मान लीजिए कोई ट्रेड
आइडेंटिफाई करने के बाद उसका ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ट्रेंड फॉलो करने के बाद हम लोग को यह देखना पड़ता है कि उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट का लेवल हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ट्रेंड, जब हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लोग को वीकली चार्ट देखना पड़ता है, नहीं तो मंथली चार्ट देखना पड़ता है। मंथली और वीकली चार्ट के हिसाब से नेक्स्ट चार्ट पे हम लोग जाते हैं डेली चार्ट। डेली का नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं 60 मिनट्स पे। तो अगर हम लोग ऐसे तरीके से चार्ट को देखेंगे कि पहले हम लोग देखेंगे उसका वीकली चार्ट क्या है, अगर वीकली चार्ट का डायरेक्शन जिस दिशा में है उसके बाद जाके देखेंगे कि डेली चार्ट का दिशा या डेली चार्ट का जो डायरेक्शन है वो वीकली चार्ट के साथ एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है कि नहीं। जब तक वो उसके जो वीकली चार्ट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का नहीं जाएगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस को नीचे आने के लिए। जब वो वीकली डायरेक्शन पे जाएगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। तो अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप एक साल, तीन साल नहीं तो पांच साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली चार्ट या नहीं तो मंथली चार्ट को देख के भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन से एक महीने का ट्रेड ज्यादा पसंद करते हैं तो आप वीकली, डेली, 60 मिनट्स नहीं तो मंथली चार्ट देख के भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, मतलब कि दो तीन दिन के ज्यादा कोई भी पोजीशन को नहीं रखते हैं, तो आप वीकली, डेली और 60 मिनट्स को ज्यादा से ज्यादा पसंद कर सकते हैं। इंट्राडे करते हैं तो 60, ये जो मिनट का चार्ट मैंने लिखे हैं ये सब इंट्राडे चार्ट है। अगर ये चार्ट इंट्राडे पे ऑलवेज अपडेट होता रहता है, पहला है 60 मिनट्स, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, अगर आप इंट्राडे ज्यादा चॉइस करते हैं तो आप 60 मिनट के साथ 15 मिनट और 3 मिनट को देख के भी ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट को भी देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने जो चीज बताया थी 5 फैक्टर्स, ये 5 फैक्टर्स क्या होता है, देखिए आपके एक वीक के अंदर 5 दिन होता है, उसके बाद अगर आप एक डे को सेग्रीगेट करेंगे तो उसके अंदर लगभग 6 से 6.5 घंटे का ट्रेडिंग होता है, तो ऑलमोस्ट नियर टू 5। उसके बाद अगर आप ये 60 मिनट्स को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 12, जो कि इक्विवेलेंट नियर टू 15 मिनट। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3। तो ये हो गया 5 फैक्टर। जब भी आपको कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना हो तो आप 5 फैक्टर को देख लीजिएगा। अगर आपका सबसे छोटा चार्ट आप 1 मिनट चूज कर रहे हैं तो उसका जो 5 फैक्टर, मतलब कि इसको 5 से इंटू कीजिए तो इसका जो ऊपर वाला चार्ट आप देख सकते हैं 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट मिनिमम यूज कर रहे हैं तो इसका जो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो इसके ऊपर आएगा 30 मिनट्स। आप 5 मिनट का चार्ट को अगर सबसे छोटा चार्ट मान के ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर का चार्ट आप देख सकते हैं 30 मिनट्स। इसको हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसपे हम लोग बहुत सारे टाइम फ्रेम को एक साथ देख के एक ट्रेड करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखिए मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेड क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने 6 टाइम फ्रेम को ड्रॉ करके रखे हैं। जब भी आप कोई टेक्निकल चार्ट को ओपन करेंगे तो ये साइड पे यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम का सिंबल आपको दिखाएगा। अगर यहाँ पे वाई दिखा रहा है तो मतलब ये आपका ईयरली टाइम फ्रेम है, एच मतलब हाफ ईयरली, क्यू मतलब क्वार्टरली, एम मतलब मंथली, वीक मतलब वीकली और डी मतलब डेली। तो जब आप लोग कोई चार्ट पे ये सारे टाइम फ्रेम को करके चार्ट को लिंक कर देंगे तो एक ही सिंगल क्लिक पे आपका इतने सारे टाइम फ्रेम एक साथ ओपन हो जाता है। मान लीजिए आप कोई भी एक स्टॉक को देख रहे हैं, इधर वो हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, एशियन पेंट हो, कोई भी चार्ट के ऊपर जाके जब आप सिंगल क्लिक करेंगे तो इतने सारे टाइम फ्रेम वो एक ही सिंगल स्क्रिप्ट का एक साथ ओपन हो जाएगा। तो आपका मल्टी टाइम फ्रेम ओपन हो गया, तो आप एक ट्रेडिंग डिसीजन आइदर वो बाय और सेल ये लेने के लिए आप आपका ईयरली चार्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली सबका जो ओवरऑल आपका सपोर्ट लेवल पे है कि रेजिस्टेंस लेवल पे एक बार देख लीजिए। हो सकता है मान लीजिए ईयरली जो टोटल बार था उसका जो 50% लेवल वो लेवल पे जाके मंथली चार्ट पे आइदर हो सकता है कि कोई शूटिंग स्टार बना लिया हो, हो सकता है कि ईयरली का जो 50% लेवल वो लेवल पे डेली चार्ट पे
कोई रेजिस्टेंस हो सकता है कि वीकली चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस हो। तो हम लोग पहले हमें एक चीज बताते कि टेक्निकल पे टेक्निकल चार्ट का नेचर है फ्रैक्टल नेचर, मतलब कि हर एक चार्ट पे हर एक इंडिकेशन रहता है, पर हम लोग वो इंडिकेशन को ढूंढ नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जब हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो उसके लिए हम लोग को एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं, मान लीजिए आप जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हैं उसके उससे कोई छोटा टाइम फ्रेम और उससे कोई बड़ा टाइम फ्रेम को देख लीजिए। अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं तो उसके नीचे वाला टाइम फ्रेम डेली को एक बार देख लीजिए, नहीं तो उसके आगे का टाइम फ्रेम मंथली को एक बार देख लीजिए, तो आपका टोटल जो व्यू है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज को हम लोग टेक्निकल पे बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग सिस्टम। ये आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आइए देख लेते हैं इंट्राडे में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। तो देखिए जब हम लोग कोई भी ट्रेड इंट्राडे पे कोई चार्ट को सिलेक्ट किए हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं वही चार्ट का 60 मिनट्स 15 मिनट्स 10 मिनट्स 5 मिनट्स और 3 मिनट का जो चार्ट है उसको एक साथ देख सकते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है या नहीं, ब्रेक कर रहा है कि नहीं, ट्रेंड का डायरेक्शन लोअर टॉप लोअर बॉटम है कि हायर टॉप हायर बॉटम है, वहां पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या नहीं, ये सारे चीज हम लोग एक के बाद एक चार्ट को देख के पूरा टाइम फ्रेम को देख के हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो इंट्राडे में भी हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग को यूज करके इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं, जिसपे हम लोग 60 मिनट 30 मिनट 15 10 5 और 3 मिनट का जो 3 मिनट का जो चार्ट है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो डेली चार्ट का जो ट्रेंड लाइन है वो देख के भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो चार्ट का ये फ्रैक्टल नेचर होने के लिए ये सब संभव होता है। हर एक चार्ट पे आपको इंडिकेशन रहता है, पर एक चीज हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस हम लोग को वो इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कोई भी एक चार्ट जिस टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर रहे हैं उससे नीचे वाला कोई एक टाइम फ्रेम और उससे ऊपर वाला कोई एक टाइम फ्रेम को देख लेंगे, ताकि आपको हर एक इंडिकेशन ठीक तरीके से दिख जाए। कि अगर मान लीजिए हो सकता है कि 3 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट में जो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है वो आपको 60 मिनट पे चार्ट दिख जाए कि पिछले वाला जो कैंडल है उसका लो को तोड़ रहा है। तो ये सब चीज आपको ट्रेड करने के पहले एक साथ पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग एक ट्रेड ले पाएंगे। और ये चीज जैसे आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला आप इन्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्विंग के लिए यूज कर सकते हैं, 15 20 दिन या एक महीने के लिए जो लंबा ट्रेडिंग अभी है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, और हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।